इस महीने जो है लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही बातें सुनने को मिल रही हैं कि मार्केट ठंडा है। भाई आप ये बताओ कि मार्केट गर्म कब रहता है? और जो है मार्केट ठंडा या फिर खराब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास काम नहीं होता। और जो इस एंड मंथ और एंड ईयर में आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा? तो फिर आज मुझे ये पता चला कि हमारा अगरबत्ती बिजनेस जो है मौसम के आधार पर भी चलता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुंह से बस एक ही शब्द सुनने को मिल रही है कि भाई जो है मार्केट ठंडा हो चुका है, मार्केट खराब है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, दुकानदारी भी अच्छे से नहीं चल पा रही है। और इन लोगों से मैं एक ही क्वेश्चन है मेरा, एक ही सवाल है कि भाई मार्केट गर्म कब रहता है? सो फिर कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। और टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। देखो बिजनेस का जो बेसिक फंडा है वो है वर्क सिस्टम के ऊपर, मतलब जितना आपका काम रहेगा उतना आपका बिजनेस रहेगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि ये महीना हमारा अच्छा नहीं गया, ये महीना अच्छा गया। जैसे कि अभी दिसंबर में जब से दिवाली ख़त्म हुई तब से मैं लोगों के मुंह से बस यही सुन रहा हूँ कि मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट ठंडा हो चुका है, मार्केट ठंडा है और काफ़ी सारी ऐसी बातें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट ठंडा या फिर मार्केट जो है नहीं चल रहा या बिजनेस जो है डिमांड अच्छी नहीं आ रही है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता या फिर काम करना नहीं चाहते, मार्केट में रिसर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए यूज़ नहीं होगा। लोग तो आज भी जो रेगुलर पूजा में 2 स्टिक 4 स्टिक जलाने वाले लोग हैं वो तो जलाना ही जलाएंगे ही और पूजा करेंगे ही सुबह और शाम के टाइम पे। और हमारा जो अगरबत्ती बिजनेस है ये डेली रूटीन में जो है इंक्लूड होने वाला बिजनेस है, मतलब डेली यूजेस मैं बोलूँ लोग पूजा के लिए यूज़ करते ही हैं। इसमें ना तो कोई दिन लगता है, ना कोई समय लगता है, ना कोई छुट्टी का दिन लगता है, ना जो है कुछ ऐसा प्रोसेस भी नहीं होता कि भाई आज संडे है तो आज पूजा नहीं होगी। हर एक टाइम पे, हर एक समय पे, हर एक दिन में जो है पूजा की जाती है। और बड़ा समय का भी अभाव होता है और समय के अभाव में परिवर्तन भी होता है। तो आने वाला जो साल होगा इसमें इन सारी बातों को जो है आप एक तरफ रखिए और जो है अपने काम पे फोकस रखिए। चाहे मौसम किसी भी तरीके से हो, अगरबत्तियां जो है लोग जलाते रहेंगे और जलाएंगे भी। और मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लोगों की जो अलग अलग तरीके से जो बातें होती हैं कि हमारा अगरबत्ती बिजनेस में मार्केट ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, ना जाने आगे क्या होगा, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, कैसे बिजनेस चलेगा, ये जो है आगे की बात है। उस पर ध्यान ना देके जो हमारे फ्यूचर टाइम का जो समय है, जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में हमारी क्या कमियां थी और उस कमियों पे क्या हम एक अच्छी चीज़ें कर सकते हैं या फिर उस कमियों को एक जो सुधार ना होता है और एक नया स्किल जो होते हैं उसमें हम क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, ये हमारे लिए सोचना मायने रखता है। बस मेरा कहना बस इतना ही है। और आखिरी साल भी है और इन जो है आखिरी साल पे जितनी भी चीज़ें आपकी वर्किंग प्रोसेस में रही होगी, हार्ड वर्क आपने किया होगा या मेहनत आपने की होगी, तो आने वाले साल में उससे 10% जो है अच्छा कुछ करने का सोच के आप रखें। और ज़रूर ये अगर चीज़ें आप करके चलेंगे और थोड़ा सा अपने वर्क पे या फिर अपने काम पे आप ध्यान देंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। और लोगों के कहने से चीज़ें बदल नहीं जाती, बदलती हैं तो अपने काम करने के ऊपर। तो मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट। सो फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।